आज की ये वीडियो आधारित है हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम है राज बहादुर राणा जी। इन्होंने कमेंट किया है हाउ टू डिलीट इवेंट्स, यानी कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल में इवेंट्स कैसे डिलीट करते हैं। एक्चुअली में हमारी एक वीडियो है कि इवेंट कैसे ऐड करते हैं, उसी पर इन्होंने ये कमेंट किया है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम लोग इवेंट को डिलीट करते हैं। इसके लिए हम लोग सीधे चलेंगे सिस्टम पे, यानी कि लैपटॉप पे, और प्रैक्टिकली चीज को करके देखेंगे कि हम जो इवेंट क्रिएट कर दिए तो उसको डिलीट कैसे करेंगे। तो चलिए चलते हैं डेस्कटॉप पे। उससे पहले नमस्कार, मैं हूँ बिट्टू कुमार, और इस तरह के जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल और डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड मैं वीडियो बनाते रहता हूँ। तो आपसे अनुरोध होगा कि इस चैनल पे यदि पहली बार आए हों तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो जरूर इसे लाइक करके जाइएगा। तो चलिए चलते हैं हम लोग सीधे डेस्कटॉप। तो ये रहा गूगल बिजनेस प्रोफाइल का डैशबोर्ड, और हमें चूंकि डिलीट करना है इवेंट को, तो थोड़ा सा शॉर्ट में ही समझ लेते हैं ऐड कैसे करना है, फिर डिलीट करना बता देंगे। बहुत ही छोटा ये एक तरह से वीडियो हो जाएगा, तो कोई नहीं। देखिए, सिंपल है कि जब भी आपको इवेंट ऐड करना है तो ऐड अपडेट पर क्लिक करना होगा, और उसके बाद ऐड इवेंट पर हम लोग क्लिक करते हैं। तो सिंपल जैसे क्लिक करेंगे, ये ऐड इवेंट का जो डायलॉग बॉक्स है ओपन हो जाएगा, और हमें क्या लिखनी है वो हम ऑलरेडी नोटपैड में लिख कर रखे हैं और ग्राफिक्स भी बना लिए हैं। आप भी ऐसा कर लेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। तो सपोज दैट हम यहाँ पे एग्जांपल के लिए सोशल मीडिया मैनेजमेंट वेबिनार के तौर पर यहाँ पर जस्ट टाइटल बना देते हैं, कॉपी वहाँ से किए यहाँ पेस्ट कर दिए। इसके बाद स्टार्ट डेट है, सपोज डेट हम स्टार्ट डेट डाल देते हैं 25 तारीख को, और उसकी टाइम यानी कि आप डेट के बाद टाइमिंग होता है, तो टाइमिंग आप हम ले लेते हैं 10 बजे, और उसके बाद आपका इन डेट हो जाता है, यानी कि ये जो वेबिनार शुरू होगा किस डेट को और कितने टाइम से, और ख़त्म होगा किस डेट को कितने टाइम से। तो हम 25 तारीख को ही ले लेते हैं क्योंकि वेबिनार यानी ऑनलाइन होता है। आप यदि फिजिकल कुछ इवेंट कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप टाइम डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने ले लिया 10 से 11, यानी कि इन टाइम 11 बजे और स्टार्ट टाइम 10 बजे। इसके बाद आपको यहाँ इवेंट का डिटेल लिखना होता है, यानी कि ये जो हमारा है पूरा का पूरा हम जस्ट कॉपी कर लेते हैं, और इसमें हम टोटल चीज़ लिख दिए हैं, उसका डेट टाइम लोकेशन व्हाई अटेंड, ये तमाम चीज़ें आप भी अपने इवेंट के बारे में डिटेल ज़रूर लिख लेंगे। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि इवेंट डिटेल को जस्ट यहाँ पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पेस्ट करने के बाद आपको नीचे आना है, और यहाँ कॉल टू एक्शन जो बटन होते हैं इस पर आपको चूज करना है कि उसे क्या करना है, बुक बटन बनाना है, ऑर्डर ऑनलाइन बाई, लर्न मोर, साइन अप, कॉल नाउ। कॉल नाउ करेंगे तो वहाँ पे मोबाइल नंबर आ जाता है, लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे ले जाना है, तो आप साइन अप करें या बुक नाउ करें, बुक कर ले तो साइन अप बेहतर रहता है, तो साइन अप लिखे। अब यहाँ आपको लिंक पेस्ट करना होगा, तो हमारा लिंक इसी में है, तो जो हम ऑलरेडी इसी में क्रिएट करके रखे हैं, जस्ट हमने इसको कॉपी किया और यहाँ ला करके हमने पेस्ट कर दिया। अब एक चीज़ हमारा बच रहा है फ़ोटो का, तो हम यहाँ से फ़ोटो सेलेक्ट करते हैं, ऑलरेडी हम बना कर रखे हैं, यहाँ पे डबल क्लिक किए और ये जो मेरा फ़ोटो है ये अपलोड हो रहा है। तो ये सिंपल तरीका होता है इवेंट को क्रिएट करने का। तो यहाँ पर फोटो भी मेरा आ गया, पूरा डिटेल हो गया, इवेंट का नाम भी टाइटल भी दे दिए, स्टार्ट डेट एंड टाइम, इन डेट एंड टाइम, इसके बाद इवेंट का डिटेल्स, यहाँ पे सीटीए, कॉल टू एक्शन बटन साइनअप बना दिया, उसका लिंक डाल दिए। नाउ आप प्रीव्यू पे क्लिक करके देख सकते हैं कि हाँ जी आपका फ़ोटो यहाँ आ रहा है प्रॉपर, यहाँ पे आपके टाइटल आ रहा है, उसके बाद उसके डिटेल्स आ रही है, यहाँ पे साइनअप बटन भी आ रहा है, और उसके अंदर भी रजिस्ट्रेशन जो लिंक डाले हैं वो भी आ रहा है। तो सिंपल अब आप देख लिए सही है, इसके बाद पोस्ट पर कर देंगे क्लिक। जैसे इस पर क्लिक करेंगे ये लिख रहा है अपडेट पोस्टेड, यानी कि ये जो है आपका रिव्यू में जाता है, तुरंत ही आपका अप्रूव हो जाता है यदि कोई दिक्कत ना हो तो। इसके बाद सिंपली इस पर डन पे क्लिक कर दीजिए। आप जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए ये मेरा अप्रूव भी हो चुका है। अब क्वेश्चन ये है कि डिलीट कैसे होगा। तो जब जाहिर सी बात है कि यदि आपका कोई भी इवेंट पहले पब्लिश होना चाहिए तभी डिलीट होगा। जैसे ये मेरा रिसेंट अपडेट में 13 सेकंड पहले पब्लिश है, ये आपका पहले भी पब्लिश हो, तो सिंपल इसका तरीका यही है कि इस 3 डॉट पर क्लिक कीजिए, एडिट करना है तो एडिट बटन पर क्लिक कीजिए, और डिलीट करना है तो सिंपल डिलीट बटन पर क्लिक कीजिए। कह रहा है डिलीटिंग दिस अपडेट विल रिमूव इट परमानेंटली।
तो क्या आप इसे परमानेंटली रिमूव करना चाहते हैं, तो सिंपल यस पर क्लिक करेंगे। एक चीज और हम आपको बता दे रहे हैं कि हो सकता है कि अब आपने वो इवेंट पोस्ट कर दिया, अब तो तुरंत वो डायलॉग बॉक्स तो दिखेगा नहीं, तो उसके लिए आपको जाना होगा नीचे और यहाँ पे देखिए दिख रहा है वो अपडेट में मिलेगा। तो जैसे ही आपको क्लिक कीजिएगा इस पर, तो यहाँ पे जितने भी अपडेट्स होते हैं वहाँ पे दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक मिनट पहले हमारा ये इवेंट जो हमने क्रिएट किया है 25 जून वाला ये आया है, उससे पहले हमने एक क्रिएट किया था 30 जून वाला, वो यहाँ दिखा रहा है, और यहाँ पे आ गया हमारा 25 जून वाला। तो 25 जून वाला ही हमें डिलीट करना है, रिसेंट अपडेट यही है। तो सिंपल बस वही काम करनी है, 3 डॉट पे क्लिक, देन डिलीट बटन पे क्लिक, और उसके बाद यहाँ पे यस पर क्लिक कर देनी है। अब आप देखेंगे कि वो जो मेरा रिसेंट अपडेट था वो डिलीट हो चुका है। अब यहाँ पे सिर्फ बच गया 30 जून वाला। मैं पुनः रिफ्रेश करके भी आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे आएंगे अपडेट में वाले सेक्शन में, यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ 20 मिनट पहले ये आ रहा है, इसके पहले कोई यहाँ पे आपका अपडेट इवेंट या कुछ और नहीं है। तो इस प्रकार से आप सक्सेसफुली इवेंट को डिलीट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपकी पसंद आई होगी। इस वीडियो में हमने साथ में आपको ये भी बता दिया कि कैसे क्रिएट करेंगे और डिलीट कैसे करेंगे। तो आप भी अपने सुविधा अनुसार इवेंट को क्रिएट कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। ये वीडियो पसंद आई होगी तो जरूर से जरूर लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे इवेंट को ऐड और डिलीट कर सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।